कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है क्योंकि सेना आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान के दुष्प्रचार के खिलाफ जंग भी जीत रही है और भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश कल पकड़े गए लश्कर के आतंकी ने भी किया है। लश्कर के आतंकी ने कैमरे पर माना कि आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान है। इस आतंकवादी की गवाही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सबूत है और इस आतंकी की गवाही से कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी भी साबित होती है। लेकिन सेना की इस कामयाबी के खिलाफ महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि कश्मीर में सेना की बंदूक खामोश हो जाए, जबकि ये सुरक्षा बलों की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए तहरीक तालिबान के आतंकियों को भी लश्कर की मदद के लिए भेजा जा रहा है और खुफिया सूचना भी है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कोशिश हो सकती है। इन सब बातों के बावजूद महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट रोक दिया जाए और एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान किया जाए। साजिश चल रहे गेम के तहत हमारे साथ हमारी जिंदगी के साथ खेला जाता है। इंडिया की फौज ऐसी है वैसी है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दीगर साथियों से गुजारिश करता हूं जो कि इस वक्त गलत रास्ते पर हैं, सभी अपने अपने घरों को लौट आए। कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तार लश्कर ए तैयबा का ये जिंदा आतंकी सबूत है कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर के युवाओं में आतंक का जहर भर रहा है। इस आतंकी का कबूलनामा न शी जिनपिंग नजरअंदाज कर पाएंगे, न ट्रंप और न पुतिन। इससे पहले पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में जो बैठे हमारे आका कहते थे कि इंडिया की फौज ऐसी है वैसी है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप खुद भी देख लें, आकर इनसे मिलें, इनसे खुद बात करके, इंडिया की फौज के साथ बात करके, अफसर से बात करके आप खुद भी देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक साजिश चल रही है गेम के तहत हमारे साथ हमारी जिंदगी के साथ खेला जाता है। लश्कर का ये आतंकी और इसके तीन साथी बारामूला में तीन युवाओं की हत्या के आरोपी हैं। इस आतंकी ने पूछताछ में बताया है कि पाकिस्तान में भारतीय सेना के खिलाफ कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। भारतीय सेना चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन उसे सरेंडर करके घर वापसी का मौका दिया। तो वो हमारे साथ भी था, जब फौज का आमना सामना हुआ हमने फायर किए थे, लेकिन फौज ने हमारे ऊपर फायर नहीं किए, तो मैं उस दिन भागा और झाड़ियों में छुप गया, तो फौज मुझे गोली भी मार सकती थी, लेकिन फौज ने मुझे गिरफ्तार करके एक नई जिंदगी दी। हाफिज सईद के इस आतंकी ने माना है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ही आतंक के लिए फंडिंग भी करता है और मदद भी देता है, और पाकिस्तान का नापाक सच जानने के बाद उसने सभी साथियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। मैं अपने दीगर साथियों से गुजारिश करता हूं जो कि इस वक्त गलत रास्ते पर हैं, सहबा खून, मोहसिन मुश्ताक भट्ट, नासिर अमीन दर्जी, जो कि अपने घर बार को छोड़कर अपनी इस अच्छी जिंदगी को छोड़कर एक गलत जिंदगी को थामे हुए बैठे हैं। ऐसे जंगलों में रह रहे थे हम पिछले 6 महीनों से, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मैं नासिर अमीन से कहता हूँ कि वो उसकी माँ बहुत बीमार है, वो अपनी माँ के लिए वापस आए। खुदारा सभी अपने अपने घरों को लौट आए। पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश करने वाली ये गवाही कश्मीर में भारतीय सेना की कामयाबी का सबूत है कि कश्मीर में आतंकियों के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या घर लौटाने का या दुनिया से जाने का। सेना आतंक के खिलाफ लड़ाई में जीत रही है, लेकिन महबूबा सरकार चाहती है कि कश्मीर में सेना की बंदूक खामोश हो जाए।
महबूबा चाहती हैं कि जिस ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकियों के सफाए से पाकिस्तान घबराया हुआ है वो ऑपरेशन रोक दिया जाए और केंद्र सरकार रमजान के महीने में संघर्ष विराम का ऐलान कर दे। इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। लेकिन महबूबा भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट रुका और संघर्ष विराम हुआ तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों को होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर अचानक बढ़ गई हैं और वो एलओसी पर आतंकी हमले को अंजाम दे सकती है। एसएसजी के सैनिकों को नियंत्रण रेखा के पास कैंप करते देखा गया है। बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर कई फॉरवर्ड पोस्ट पर एयर डिफेंस गन तैनात की है। इसके अलावा ये खबर भी महबूबा के पास है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले पाकिस्तान ने तहरीक के तालिबान के आतंकियों को कश्मीर में लश्कर ए तैयबा की मदद के लिए कहा है। फिर भी महबूबा आखिर क्यों ये चाहती हैं कि भारत एक तरफा संघर्ष विराम करे और जिन आतंकियों का हौसला ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से टूट रहा है उसे रोक दिया जाए। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।